बेस थ्योरम अपन ने पढ़ी, और बेस थ्योरम पर बेस्ड काफी सारे अपन ने क्वेश्चन भी देख लिए। चार और बहुत छोटे 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 कॉन्सेप्ट हैं, आइए उन चारों कॉन्सेप्ट को एक एक करके देख लें। ऑल दो उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपन बताऊंगा मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं। ये चार बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन चारों कॉन्सेप्ट एक बार अगर पता होंगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आइए इन चारों कॉन्सेप्ट को एक एक करके देख लें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में है कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से प्रोबेबिलिटी, और वो भी कोई बहुत भारी बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगानी है। ध्यान से सुने क्या कहना चाहता हूं। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, इफ एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हैपनिंग, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, और उस एक्सपेरिमेंट को एन बार किया जाता है, कितनी बार, एन टाइम्स। जैसे डाइस को अपन फेंकते हैं, एक बार अगर डाइस फेंकते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए। लेकिन अगर यही डाइस फेंकने की क्रिया एन दफे की जाए, एन टाइम्स की जाए, इफ एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हैपनिंग एंड द एक्सपेरिमेंट इज डन एन टाइम्स, और एक्सपेरिमेंट को एन दफे किया जाए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ टाइम्स इज। अब सुनो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, अगर एक ट्रायल किया जाए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी। अब सुनो ध्यान से, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है एक बार में, लेकिन अगर उसी एक्सपेरिमेंट के एन ट्रायल्स किए जाएं, एन बार वो एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो क्या संभावना है कि एग्जैक्टली आर बार हमको सक्सेस मिले, एग्जैक्टली आर बार वो इवेंट हो। बहुत आसान, एन में से आर जगह चुन लो, वहां पर वो इवेंट हो जाए, बाकी बची हुई एन माइनस आर जगह इवेंट ना हो, बस। इसी को कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अगर किसी इवेंट के होने की संभावना पी है और एक्सपेरिमेंट को एन दफे किया जाए, किसी इवेंट के होने की संभावना पी है और एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स किया जाए, तो एन टाइम्स में से एग्जैक्टली आर टाइम्स सक्सेस मिले, एग्जैक्टली आर टाइम्स इवेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एन में से आर जगह चुन लो एनसीआर, उन आर जगह पर इवेंट हो जाए पी की पावर आर, पी इंटू पी इंटू पी आर टाइम्स, बाकी बची हुई एन माइनस आर जगह इवेंट ना हो, वन माइनस पी की पावर एन माइनस आर। ये है, एन में से आर जगह इवेंट हो जाए, बाकी बचे हुए एन माइनस आर जगह इवेंट ना हो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैपेंस एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ टाइम्स इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एन टाइम्स। ये खास बात है, इस पर ध्यान देना है, यही है। इसी को नाम दे दिया गया है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां बाइनोमियल थ्योरम का यूज है, एनसीआर का यूज है, बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बाइनोमियल कोफिशियंट दिखाई पड़ता है। आइए, ये तो हो गई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, आइए इसके ऊपर बेस्ड छोटे क्वेश्चन लें। बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक हर्डल रेस है, आराम सुनना है, एक हर्डल रेस है, उस हर्डल रेस में 9 हर्डल्स हैं, कितने हर्डल्स हैं, 9 हर्डल्स। वो होती है ना जैसे दौड़ो फिर कूदो फिर दौड़ो फिर कूदो हर्डल रेस, तो 9 हर्डल्स हैं। किसी भी हर्डल को सही तरीके से क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। जैसे हर्डल आई तो सही ढंग से कूद के क्लियर कर लें, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। 9 हर्डल्स हैं, तो किसी भी हर्डल को सही तरीके से क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी
0.8 है, ध्यान सुनना है। तो क्या संभावना है कि एग्जैक्टली 7 हर्डल सही तरीके से क्लियर हो जाए? बहुत आसान है, हम चाहते हैं कि 9 में से कोई भी 7 हर्डल सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो 9 में से 7 हर्डल चुनो, उनको सही तरीके से क्लियर करवा दो, बाकी 2 हर्डल को गड़बड़वा दो। ये एक और क्वेश्चन देखो, एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। ये जनरल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी यूज हो सकता है। ये एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल से, कोई विशेष बात नहीं है। एक ड्रंकार्ड है, ड्रंकार्ड मतलब जिसने पी ली हो, जिसको चढ़ गई हो। ड्रंकार्ड फॉरवर्ड स्टेप लेता है विद अ प्रोबेबिलिटी 0.6। अब पी ली है, समझ नहीं आ रहा आगे है क्या पीछे है, तो आगे कदम बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी, आगे स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो पीछे कदम लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर मूविंग 11 स्टेप्स ही इज जस्ट 1 स्टेप अहेड फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। क्या संभावना है कि 11 कदम अब आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है, भगवान जाने कैसे चल रहा है। तो बोल रहा है क्या संभावना है कि 11 कदम चलने के बाद वो सिर्फ अपनी जगह से 1 स्टेप आगे सरका हो। तो भैया 11 कदम चलने के बाद अगर वो अपनी जगह से सिर्फ 1 कदम आगे सरका है, इसका मतलब 6 फॉरवर्ड चले और 5 बैकवर्ड चले। अब चले किसी भी ऑर्डर में, पहले 5ों बैकवर्ड चल ले फिर 6 फॉरवर्ड चल दे, या पहले 6 फॉरवर्ड चल ले फिर 5 बैकवर्ड चल ले, या 3 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड 3 फॉरवर्ड, कैसे भी चले, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अगर 6 कदम आगे की ओर हैं और 5 कदम पीछे की ओर हैं, किसी भी ऑर्डर में हो, तो अल्टीमेटली आप एग्जैक्टली अपनी जगह से 1 कदम आगे होंगे। तो आइए इसकी प्रोबेबिलिटी, 11 में से कोई 6 कदम चुन लो, उन 6 जगह पर फॉरवर्ड चल दो, बाकी बचे हुए 5 कदमों में बैकवर्ड चल दो। तो ये हो गई संभावना श्योर कि वह 11 कदम चलने पलने के बाद भी अपनी जगह से एग्जैक्टली 1 कदम आगे होगा। दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, कुछ विशेष नहीं है। एन ट्रायल्स में से एन बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनमें से किसी भी आर जगह हमारा इवेंट हो, बची हुई एन माइनस आर जगह हमारा इवेंट ना हो। 11 कदमों में से किसी भी 6 जगह हम आगे चले, बची हुई 5 जगह पीछे चले, 9 हर्डल में से कोई भी 7 हर्डल क्लियर हो जाए। तो एन ट्रायल्स में से किन्हीं आर ट्रायल्स में सक्सेस मिले, बाकी एन माइनस आर ट्रायल्स में फेलियर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एनसीआर पी की पावर आर 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर। कॉपी करिए। तो मैं कह रहा था 4 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ये पहला छोटा सा कंसेप्ट है कि एन, अब इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एन बार कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसमें आर बार एग्जैक्टली हमको सक्सेस मिले। अब सुनेंगे ध्यान से, नेक्स्ट एक और छोटा सा कंसेप्ट है, बस 4 ही छोटी बातें। नेक्स्ट एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आप ध्यान से सुनेंगे एक बार में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसका नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय उम्मीद। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मान लीजिए गेम खेला जा रहा है, ठीक है, और आज उस गेम का 11वां मैच है। ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक गेम खेला जा रहा है और आज उस गेम का 11वां और फाइनल मैच है, 11वां और फाइनल मैच है। इसके पहले 10 मैच खेले गए हैं लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस मैच है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए चेस खेला जा रहा है, चेस है,
एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये हमारा फाइनल मैच है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसके पहले 10 मैच खेले गए हैं लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस मैच है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। आज 11वां फाइनल मैच खेला जा रहा है, और चेस की बात कर रहे हैं तो दो प्लेयर खेल रहे हैं, और भी ए एंड बी दो प्लेयर खेल रहे हैं। जीतने वाले को 10,000 रुपये इनाम है। आज अंतिम मैच है, आज फाइनल मैच है। इसके पहले 10 मैच खेले गए हैं लेकिन वो 10 मैच प्रैक्टिस मैच हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। 11वां और फाइनल मैच आज खेला जा रहा है, और विनर को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। इसके पहले जो 10 मैच खेले गए हैं उनमें 8 मैच मिस्टर ए ने जीते हैं और 2 मैच मिस्टर बी ने जीते हैं। उन मैचों को कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। फाइनल मैच तो ये है, जो जीता पूरे 10,000 ले जाएगा, जो हारा ठेंगा पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो 10 मैच खेले गए हैं उनमें 8 मैच मिस्टर ए ने जीते हैं और 2 मैच मिस्टर बी ने जीते हैं, इसके पहले का रिकॉर्ड है। अब सुनना ध्यान से, 11वां मैच अगर पूरा खत्म होता है, 11वां मैच अगर पूरा खेल लिया जाता है, तो जीतने वाले को 10,000 रुपये, हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहाँ आती है। मैं बताता हूं, अगर किसी कारण से जो 11वां मैच है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर 11वां मैच पूरा हो जाता है तो विनर और लूजर डिसाइड हो जाएगा, और अगर विनर और लूजर डिसाइड हो जाएगा तो पता ही है भैया, विनर को पूरे मिलने हैं। लेकिन अगर किसी कारण से 11वां मैच नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी अमंग द प्लेयर्स इन अ फेयर वे बांटना चाहते हैं, तब आती है कि कौन सा प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि हर प्लेयर को उसकी काबिलियत के हिसाब से रुपया मिलना चाहिए। पुराने इतिहास को देखते हुए ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अगर किसी कारण से मैच रद्द हो जाता है, मैच नहीं खेला जाता, लेकिन फिर भी आप पूरा मनी उन दोनों प्लेयर्स में बांटना चाहते हैं, तो हर प्लेयर को कितना मिलना चाहिए वही कहलाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और कॉमन सेंस की बात है, इंसानियत की बात है कि काबिलियत के हिसाब से बंटना चाहिए पैसा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, ए को 8,000 रुपये देने चाहिए, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो बी को 2,000 रुपये देने चाहिए। तो ए की एक्सपेक्टेशन होगी 8,000 रुपये, बी की एक्सपेक्टेशन होगी 2,000 रुपये। फिर सुनिए ध्यान से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सुनिए ध्यान से। इफ ड्यू टू सम रीजन, कारण कोई भी हो, इफ ड्यू टू सम रीजन द गेम इज नॉट कंप्लीटेड एंड देन ऑल्सो वी वॉन्ट टू डिवाइड द टोटल मनी अमंग प्लेयर्स इन अ फेयर वे, देन हाउ मच ईच प्लेयर कैन एक्सपेक्ट इज नोन एज इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना गेम कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा 11वां गेम हो गया तो विनर लूजर डिसाइड हो गया, और अगर विनर लूजर डिसाइड हो गया तो भैया विनर को पूरे दो, लूजर को हटाओ। अब किसी कारण से 11वां गेम, किसी कारण से मैच हो ही नहीं पाया। इफ ड्यू टू सम रीजन द गेम
इज नॉट कंप्लीटेड, गेम कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम पूरा पैसा प्लेयर्स में फेयर वे में बांटना चाहते हैं, तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद करे वो कहलाता है उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, काबिलियत का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो फेयर वे हुआ। तो हम बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू टोटल मनी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, बस उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। पिछले इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये मैच ए पर ए के जीतने की संभावना 0.8 है और ये मैच बी के जीतने की संभावना 0.2 है, तो ए को मिलना चाहिए 10,000 इंटू 0.8 8,000 रुपए और बी को मिलना चाहिए 10,000 इंटू 0.2 2,000 रुपए। यही है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। कॉपी करो तो क्वेश्चन करवाऊं। आइए, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन समझ लिया, इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत अच्छे अच्छे दो सवाल हैं। चलिए, ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना है। इस सवाल पर ध्यान देंगे। टू प्लेयर्स ऑफ इक्वल स्किल ए एंड बी, दोनों की स्किल सेम है, यानी किसी भी गेम में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ध्यान देना है। दो प्लेयर्स इक्वल स्किल के हैं, दो प्लेयर्स एक जैसे हैं, ये आपको जीवन की सच्चाई बताएगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो प्लेयर्स इक्वल स्किल के हैं, यानी दोनों की काबिलियत सेम है, कोई भी गेम खेलते हैं तो ए के जीतने की संभावना उस गेम में हाफ, बी के जीतने की संभावना भी हाफ। आगे बोलता है दे लीव ऑफ प्लेइंग ड्यू टू सम फोर्स मेजर कंडीशन व्हेन ए नीडेड 3 पॉइंट्स एंड बी नीडेड 2। ए को जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए थे और बी को जीतने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, जैसे वो कोई गेम खेल रहे होंगे, ए को जीतने के लिए जब 3 पॉइंट चाहिए थे और बी को जीतने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे तो उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया, उस समय लीव ऑफ कर दिया। इफ द प्राइज मनी इज रुपीज 16,000, 16,000 रुपयों के लिए गेम खेला जा रहा है, हाउ कैन द रेफरी डिवाइड द मनी इन अ फेयर वे। अब हमको ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। आइए, अब ये तो तय हो गया कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो किसी भी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि ए और बी दो ही प्लेयर खेल रहे हैं। अब समझो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, सोचो ए कैसे कैसे जीत सकता है। अब ए को 3 पॉइंट हासिल करने हैं इसके पहले कि बी 2 पॉइंट हासिल कर ले। अब मेरी बात को सुनना, ए को 3 पॉइंट हासिल करने हैं इसके पहले कि बी 2 पॉइंट हासिल करे। यूं समझिए, अगर बी ने 2 पॉइंट हासिल कर लिया तो बी जीत गया, यानी मिस्टर ए मैक्सिमम कितने मैच हार सकते हैं, मिस्टर ए मैक्सिमम 1 मैच हार सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरा मैच हारे तो मिस्टर बी के 2 पॉइंट बन गए। मिस्टर ए को 3 मैच जीतने हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 मैच हार सकते हैं, तो मिस्टर ए कैसे कैसे जीत सकते हैं, या तो लगातार 3 मैच जीत जाएं या 1 हार जाएं, यानी बी जीत जाए, 1 मैच बी जीत जाए फिर 3 ए जीत जाएं, या पहला ए जीत जाए फिर बी जीत जाए फिर 2 ए जीत जाएं। देखो, मिस्टर ए दूसरा मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, या 2 मैच ए जीते फिर बी जीते फिर ये जीत जाए, बस और कोई केस नहीं बनेगा। या ऐसा केस मत बना देना ए ए ए और फिर बी, क्योंकि अगर 3 मैच ए जीत गए तो आगे गेम होगा ही नहीं। आपको ये देखना है कि मिस्टर ए कैसे कैसे 3 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं और मिस्टर ए मैक्सिमम कितने मैच हार सकते हैं, 1।
मिस्टर बी को जीतने के लिए दो ही पॉइंट चाहिए। तो तीनों मैच मिस्टर ए जीते हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। पहला मैच मिस्टर बी जीते हाफ इंटू तीनों मैच मिस्टर ए जीते, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 5 बाई 16, सही है ना, 2 3 4 5, ये हो गई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर मैं लिखूंगा एज शेयर इज 16,000 × 5/16, दैट इज 5,000। तो ऑब्वियस सी बात है बीज शेयर इज 11,000। देखो ये जीवन की सच्चाई वाला है क्वेश्चन। ए और बी दोनों इक्वली स्किल्ड हैं, बराबर काबिलियत, और उनमें सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, एक पॉइंट का। काबिलियत भी बराबर, अंतर एक पॉइंट का, लेकिन उनकी लाइफ का अंतर दुगने से भी ज्यादा का है। बी का शेयर ए के दुगने से भी ज्यादा का है। यहां पर जो बच्चा एक पॉइंट से आईटी में सेलेक्ट हो गया और जो बच्चा एक पॉइंट से आईटी में रह गया, यही अंतर क्रिएट हो जाता है। क्या जान दिया, डरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दें, तो हमने ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली। ए कैसे कैसे जीतेगा, या तो लगातार तीनों मैच जीत जाए क्योंकि ए को तीन पॉइंट चाहिए, या एक मैच पहला मैच बी जीत जाए फिर तीनों ए जीत जाए, या ए जीते बी जीते फिर दो ए जीत जाए, या दो ए जीते बी जीते फिर ए जीत जाए। बस यही है ए के जीतने की संभावना, जो कि आ गई 5/16। तो ए इज शेयर बी इज शेयर, कॉपी कर लीजिए। हाँ एक और क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पर एक और सवाल। यस, एक और सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा बेस थ्योरम को भी इसमें अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ बस दो ही है। टू हंटर्स ए एंड बी, दो हंटर हैं ए एंड बी। तो इसके अंदर बोला जा रहा है, क्वेश्चन आइए पढ़ें, टू हंटर्स ए एंड बी, टू हंटर्स ए एंड बी शॉट एट ए डियर बियर साइमल्टेनियसली। एक बियर पर दोनों हंटर एक साथ गोली चलाते हैं। द बियर इज वॉज शॉट डेड विद ओनली वन होल इन हिज बॉडी। यानी दोनों ने गोली तो चलाई लेकिन एक की गोली लगी और एक की गोली नहीं लगी, कोई एक की गोली चूक गई। अब पता नहीं है एक की गोली लगी कि नहीं लगी, या बी की गोली लगी कि नहीं लगी, नहीं पता। तो मर गया बियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटिंग द बियर, ए का निशाना लगने की संभावना 0.8 है, लेकिन लग भी सकता है नहीं भी। बी का निशाना लगने की संभावना 0.4 है। द हाइड, हाइड मतलब उसकी खाल, मात्र 280 रुपए में बेच दी गई। डिवाइड दिस मनी इन अ फेयर वे। अब ए का क्या शेयर होगा, एज शेयर हम लोग निकालेंगे। एज शेयर विल बी प्रोबेबिलिटी, ए का शेयर होगा प्रोबेबिलिटी एज बुलेट हिट गिवेन दैट ओनली वन बुलेट हिट इंटू 280। अगर एक ही गोली लगी है तो क्या संभावना है कि वो एक ही गोली हो। अगर एक ही गोली लगी है तो एक गोली लगने का टोटल केस कैसे बनेगा, एक ही लगे बी की ना लगे, या एक ही ना लगे बी की लगे। और फेवरेबल केस क्या है, एक ही गोली लगना, एक ही लगे और बी की ना लगे। ये हो जाएगा एज शेयर, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.8 × 0.6 अपॉन 0.8 × 0.6 प्लस 0.2 × 0.4 × 280। ये हो गया ए का शेयर, और जो बच जाएगा वो बन जाएगा बी का शेयर। देखो दोनों ने एक साथ गोली चलाई, एक की गोली लगी एक की नहीं लगी। अब एक की भी लग सकती है बी की भी लग सकती है, पता नहीं किसकी लगी। तो अगर एक ही गोली लगी है तो क्या संभावना है कि वो एक ही गोली हो।
उससे ए का शेयर आएगा, और अगर एक ही गोली लगी है तो क्या संभावना है कि वो बी की गोली हो, उससे बी का शेयर आएगा। कॉपी कर लीजिए।